हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। आप सभी का हमारे चैनल द गोल्डन बैच में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को होने वाला है, जिसके लिए बहुत सारे लोग अपने घर से निकल चुके होंगे। जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ जाके अपना रह रहे होंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात है कि सभी लोग को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ और टाइम मिलता तो ये पढ़ लेते, कुछ और मिलता तो वो पढ़ लेते। मतलब सभी लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि हम ये छूटा है मेरा चैप्टर, ये मेरा छूटा है, मैथ रीजनिंग कुछ अलग अलग सारे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ जिसके पहले आपका तैयारी संपूर्ण हो। इसलिए आप सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भुला जाइए कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं, वो टेंशन छोड़िए। आप लोग अंदर से विश्वास लाइए कि हम पढ़े हैं, हम सब जो आएगा सब बनाएंगे, हम सब चीज़ पढ़े हैं, कोई छूटा नहीं। जब तक अंदर से आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एग्जाम हॉल में आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। और तैयारी जितना किए हैं, आप वर्षों से तैयारी करते आ रहे हैं, साल भर, 2 साल, 5 साल, उसका एक दिन में आपको देना रहता है अपना बेस्ट निकालना। तो उसके लिए आपको टेंशन फ्री होकर जाना रहता है, जिसके लिए आप लोगों को हम एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं। दे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने, आज चले हैं हम। जैसा कि आप सभी लोग ने एक सॉन्ग सुना, उसी अनुसार आप सभी लोग अपने हाथों से अपना किस्मत लिखने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एग्जाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, कोई भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। लेकिन देखिए, आप कम पढ़े ज़्यादा पढ़े वो एग्जाम हॉल में नहीं, आप कितना भी पढ़े एग्जाम हॉल में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, नर्वस हो गए, तो आपका एग्जाम खराब चला जाएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ है तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो आप लोग अच्छा से तैयारी के लिए। और एक बात रहा कि OMR भरने वाला, ऑफलाइन एग्जाम में OMR भरने वाला प्रॉब्लम आता है। जैसा कि हम कल अपने अथी पर डाले थे टेलीग्राम के कम्युनिटी बॉक्स में, मेरा ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, मेरा मेंस में लगता है हिंदी के अथी में हम रोल नंबर गलती भर चुके थे, जिसलिए मेरा मेंस का रिजल्ट नहीं आया। हम सोच रहे थे कि मेरा कहाँ फॉल्ट हो गया, नंबर जोड़े थे अच्छा खासा था, लेकिन फिर भी मतलब जितना कट ऑफ था उससे ज़्यादा नंबर था, फिर भी नहीं आया। बाद में सोचे क्या नहीं सोचे, हमारा ही गलती हुआ होगा, क्योंकि पता नहीं था कि हम अपना रोल नंबर गलती भर के आए हैं। इसलिए अच्छा से आप लोग सबसे पहले रोल नंबर भरिएगा, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। रोल नंबर हुआ जितना, मतलब OMR सीट भरने में एकदम हड़बड़ी नहीं है। अब बीच में ये नहीं कि खाली अपना रोल नंबर नहीं, जितना भी आंसर भी आपको रंगना है तो आराम से रंगना, हड़बड़ा के नहीं रंगना है कि ये रंग दिए जल्दी में, फिर बाद में देखे ओ इसका आंसर ये होगा तो फिर गलती हो गया। इसलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए देखिए, और क्वेश्चन में मतलब उसमें लिखा जाता है कि इस क्वेश्चन में रफ नहीं करना है, लास्ट में खाली रफ कर दिया। लेकिन आप लोग एक बिंदु टाइप के, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए जो हो, एक बिंदु टाइप के उसमें मारते जाइए मारते जाइए। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप 150 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते एक को नहीं रंगे, लास्ट में देखे कि 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा नहीं। मतलब अपना टाइम निकाल के उसके अनुसार आप रंगते जाइए। देखिए कि हमसे बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इंग्लिश अपना आंसर रंगते जाइए। अगर जल्दी आप एक बार जैसे देख लेते, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 घंटा टाइम है, 150 क्वेश्चन है, तो आप प्रयास करिए कि हम 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट एक बार कम से कम गुजर जाए, जितना बनने वाला उतना बने, जो ना बनने वाला उसको छोड़ते जाए। और उसके बाद जैसे एक बार आप 150 क्वेश्चन पर पहुंचे, तुरंत अपना रंग लें OMR, रंगने के बाद फिर से आप देखिए, और उस टाइम से जो आपको लगे वो अपना रंगते जाइए उस टाइम से। बस यही करना है आप लोग के, अच्छा से जाइए एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। जय हिंद।